हाँ दोस्तों, तो आप सही सुन रहे हैं। समानता ने नाग चैतन्य का घर खरीद लिया, वो भी डबल पैसे देकर। तो चले आइए आपको बताते हैं पूरी बात। फिल्म प्रोड्यूसर मुरली मोहन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, समानता ने जिस बिल्डिंग में घर लिया उसमें वो पहले अपने एक्स हस्बैंड नाग चैतन्य के साथ रहती थी। इस घर के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हैं, इस वजह से उन्होंने इसे दोबारा खरीदने का फैसला लिया। जब समानता और नागा अलग होने वाले थे तब उन्होंने इस घर को बेच दिया था, लेकिन उसके बाद एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत कर पैसे जुटाए, फिर उस घर के मालिक से बात की और दोबारा ज़्यादा पैसे देकर उसे खरीद लिया, क्योंकि वो यहाँ रहना चाहती थी। अब वह उस घर में अपनी माँ के साथ रह रही है। फैन समानता के इस फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सेल्फ मेड वुमेन कह रहे हैं। समानता ने लगातार 3 बार पेन इंडिया रिसर्च में मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार के रूप में टॉप पोजीशन हासिल की है।